नारायणपुर से महज 50 किलोमीटर दूर ग्राम छोटे डोंगर में 10 फरवरी को नक्सलियों ने भाजपा नेता सागर साहू को घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के 3 दिन बाद माओवादियों के पूर्व बस्तर डिवीजन कमेटी ने नारायणपुर ओरछा मार्ग पर सागर साहू की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए छोटे डोंगर के सरपंच हरिराम मांझी, कोमल मांझी व वैदराज हेमचंद मांझी पर माइल्स की दलाली करने का आरोप लगाते हुए बैनर पोस्टर चस्पा किए। नक्सलियों ने बैनर में लिखा, जायसवाल निको कंपनी का और शासन प्रशासन का एजेंट बनकर काम करेगा, उसे सागर साहू जैसे मौत की सजा दी जाएगी। साथ ही नक्सलियों ने माइंस की दलाली का आरोप लगाते हुए 3 व्यक्तियों को जनता के सामने आकर अपना गुनाह कबूल करने का भी जिक्र किया है। ऐसा न करने पर सागर साहू जैसी मौत की सजा देने की बात कही है। हाँ, कल रात का है शायद, बैनर पोस्टर डाले थे कहीं ओरछा के आसपास, तो मुझे सुबह 8-9 बजे ऐसे थाना के माध्यम से प्राप्त हुआ है कि आप लोगों के नाम से पोस्टर डाला हुआ है, उसमें मेरा नाम है हरिराम मांझी और हमारे साथी हैं कोमल मांझी, उनकी उसमें नाम है, और सागर साहू का जो घटना घटा उसमें भी उनका जिक्र किया गया है। सागर साहू की हत्या की जो हुई है ये पहले सस्पेक्टेड था, लेकिन आज नक्सलियों ने इसकी जिम्मेदारी ली है। हाँ, इसके पहले भी 7-8 साल पहले इनके नाम से बैनर पोस्टर लगाया गया था, जैसे अभी कल लगाया गया है, और इसके अवगत भी कराया गया था शासन प्रशासन, जिसको भी हम लोग बताए थे, तो इसके कोई ध्यान नहीं दिया गया, जो आज इस वजह से जो इतना बड़ा जो घटना जो है उसको अंजाम दिया गया है। अच्छा, पूर्व में भी आप लोग प्रशासन से कब गुहार लगाए थे? हम लोग अभी पिछले महीना जनवरी में हम लोग गए थे एसपी सर के साथ भी कि सर ऐसा ऐसा हमारे साथ ऐसा भद्र व्यवहार किया जा रहा है, मतलब इस टाइप का हमारे पास सुना ही आ रहा है कि, तो हम लोग गए थे तो उन लोग सर बोले कि अभी हमारे पास समय नहीं है आपके पास बात करने के लिए, दूसरे दिन आना, ऐसा है वैसा है। तो हम लोग अब जब किसी अधिकारी के पास जब जाते हैं कोई हल लेके तो हल नहीं होता है, तो हम लोग अब जान कहीं बता भी नहीं पाए, और इसके पहला अवगत करा दिए थे, लेकिन उसका आप अंजाम आप देख रहे हो, इस टाइप का सागर साहू के जो घटना घटी है बहुत दुखद घटना है, और इसी घटना को लेकर हम लोग अभी दहशत में हैं, और उसी वजह से हम लोग अब इतना डर लग गया, हम लोग को क्या करें अभी, अब किसके पास जाए, किसको सुने अपना दुखड़ा, तो ये हमारे पास बहुत बड़ा एक डर लग गया हम लोग को। अच्छा, ये सुरक्षा की मांग आप लोगों ने की, और अभी आप जैसे आप लोग छोटे डोंगर पे यहाँ पे निवास करते हो, सागर साहू जी भी यही निवास करते थे, सागर साहू जी का घर शायद पुलिस थाने के नज़दीक है, आपका घर कितना दूरी पे है? लगभग लगभग दोनों का बराबर है, 400 मीटर के आसपास दोनों का घर है। तो कभी भी ऐसा अंदेशा हो सकता है कि कभी भी आकर आप लोगों के ऊपर हमला हो जाए? देखिए, मैं अभी परसों रात का है मेरे पास, और रात को 2 मोटरसाइकिल से आए थे, मैं तो देखा नहीं, और मेरी गुड़िया देखी वहाँ पे रुके थे, मैं इस संबंध में टीआई सर को फ़ोन करके बताया भी, सर तो बोले कि आप यहीं ठीक है, ठीक से रहो, दरवाज़ा बंद करके रहो, अभी हम लोग देखेंगे कौन है क्या है, सिस्टम जांच कर रहे हैं ऐसे बोले हैं। फिर कल रात को, फिर शाम को, फिर 8 बजे फिर एक मोटरसाइकिल आके मेरे घर के सामने रुकी थी, मेरे को अंदाजा हो गया कि हो सकता है कहीं हमारे, जब कहना है कि इतना जनता के सामने बोलते हैं, कंपनी भी है यही कि हम लोग को जब मन आरोप लगा रहे हैं, जगह जगह जब वोट टांगते हैं कि कोमल का, मेरा और सरपंच का, 3 जन का, जब पैसा जब यहाँ दिए हैं तो कंपनी है तो पैसा यहाँ बता दीजिए कि कितना पैसा दिए हैं, कि 4 आना भी दिया है तो उसका सामने यहाँ कबूल कराते हैं। कौन सी कंपनी के द्वारा पैसा आरोप लगाया जा रहा है? निको कंपनी से। कौन आरोप लगा रहे हैं? अब कौन लगा रहे हैं तो भाई उसमें जगह जगह वो पेपर टांगते हैं, ये करते हैं और मने की पेपर फेंकते हैं, तो भाई हम लोग यदि पैसा खाए हैं तो भाई हम लोग को पूरा पूरा परोप करा दो और ये करो, और मने कि इसमें हमारा कोई गलती है तो हमको, तो साहब लोग आए थे, एसपी साहब आए, थानेदार साहब गए, टीओपी साहब गए कि आप लोग यहाँ मत रहना, नारायणपुर जाओ, आपको मकान दिलाऊंगा, ये करूंगा, मैं बोला साहब हम लोग एक पैसा भी नहीं खाया हूँ, भले हम लोग यहीं मरेंगे फिर भी हम लोग घर छोड़ के और गांव छोड़ को नहीं जाएंगे। तो आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसके बाद आप जो है जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं?
वही तो मैंने जनता के सामने बोलता हूँ कि यदि कंपनी मजबूत है यहाँ खड़े कि भाई पैसा दिए हैं कि नहीं दिए हैं, तो आप लोग जनता भी इसको पूछेंगे और मन के करेंगे। हाँ, मेरा नाम है रामा जी, मैं वर्तमान ग्राम पंचायत छोटे सरपंच। मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया जो बेबुनियाद है, जो पोस्टर बेलर के तले जो हम लोग को जो लगाया गया था उसके माध्यम से हम लोग ज्ञात हुआ है। क्या आरोप लगाया गया था उसमें? आरोप ये लगाया गया कि आप लोग जो है यहाँ पे माइनिंग का जो दलाल हो आप लोग, इसकी आप लोग सजा मिलेगी, ये सब उसमें मतलब बैनर पोस्टर के माध्यम से जो है ये बोला गया है। किसने आरोप लगाया है आपके ऊपर? अभी अज्ञात है, अब जो देखे होंगे आप बैनर पोस्टर में। तो अभी आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अब तो अभी तो हम लोग तो अभी माइंस वाले भी बताए हैं कि क्या उन लोग तो बताए स्टेटमेंट आप सुनी है आप, वो तो पूरा डिटेल बता दिए हैं कि हम लोग पैसा लिए हैं नहीं लिए, खाए हैं नहीं खाए, ये तो आप तो देखे हैं। कितने लोगों के ऊपर ये आरोप? जी हम लोगों के तीन 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 लोगों के ऊपर में है, हमारे वेदराज जी हैं और हमारे कोमल मांझी जी और मेरे ऊपर। सर ये न्यूज़ बहुत पहले आ रही है कि थी बैनर पोस्टर के माध्यम से आए, विशेषकर तीन लोगों का नाम आया था, वेदराज जी, हरिराम मांझी जी सरपंच साहब और कोमल मांझी जी का। इनका बैनर पोस्टर के माध्यम से ये बोला गया कि कंपनी के एजेंट या दलाल के रूप में ये लोग काम कर रहे हैं, जो कि पूर्ण असत्य और निराधार है, इसका कोई भी तथ्य नहीं बनता है। ये हमारी इस बात को कंपनी बिल्कुल खंडन करती है कि हम किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई भी आर्थिक लेन देन नहीं कर रहे हैं। किस तरह का आरोप लगाया गया और किन्होंने ये आरोप लगाया? ये आरोप सर देखो बैनर पोस्टर के माध्यम से कई बार आई हुई थी, सरपंच साहब के नाम से भी आई थी और वैद्यराज जी के नाम से भी आई थी। क्या आरोप लगाया गया था? यही कि कंपनी के दलाल के रूप में काम कर रहे हैं, कंपनी इनसे पर्सनली बेनिफिट दे रहे हैं, ऐसा करके न्यूज़ आई थी, जो कि बिल्कुल असत्य है, इसका कोई आधार ही नहीं है।